घी गरम हो चुका है, इसमें अब आप बेसन डाल सकते हैं। अब बेसन डाल चुके हैं हम कढ़ाई में और अब इसे अच्छे से भूनना है। मिक्सचर तैयार हो चुका है, अभी इसमें मीठा ऐड नहीं है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी इसमें चीनी का जो हमने पहले दिखाया हुआ था कि हमने पीस लिया है वो मिक्सचर इसमें ऐड करना है। उसके पहले नहीं करना है क्योंकि नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगा और फिर बेसन के लड्डू ठीक से हमारे बनेंगे नहीं। बस तो बेसन का प्रिपरेशन ठंडा होने के बाद उसमें चीनी हमने ऐड कर दिया है और अब हम मिक्स कर देंगे और छोटे छोटे लड्डूज बना लेंगे और खाएंगे मजे से ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद। वो क्योंकि ठाकुर जी को है तो उनको भोग लगाने से पहले हम देख नहीं सकते, भोग को ठाकुर जी के पहले देखा नहीं जाता, तो अब हम सब उनके प्रसाद का दर्शन कर रहे हैं और हम उनके प्रसाद को ही आस्वाद करेंगे। आप भी अपने घर पे बेसन के लड्डू बना के ठाकुर जी को भोग लगा के सब में बांट सकते हैं।